लेकिन जब ये सुदर्शन पे आती है तो सब बोलते हैं ये चलिए हम जैसे मुझ पर टैग लगे हैं कि फरफेस जो है आरएसएस की है। चलिए तो हम अब अगर आरएसएस अच्छी चीज सिखाएगी हाँ शबनम खान जाएगी आरएसएस में, तो सब अच्छी चीजों के साथ जाएंगे। हमारी एंट्री कर दीजिए, देखिए कितनी मुसलमान औरतें आती हैं। चलिए चलिए एक एक अगली प्रतिक्रिया लेते हैं। भारत उत्थान एनजीओ से है और हम जवान जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। हम कहते हैं आप ये मुद्दा एक बार नहीं सौ बार उठाइए, हम सारे आपके साथ में एक ही बार में खत्म कर देंगे, चिंता मत करिए, दूसरी बार उठाने की जरूरत ही नहीं है। कि अगर आपके वोट भी कट रहे हो तो आप नियम बनाइए, हम सारी लेडीज आपको वोट देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कोई वोट नहीं कटेगा, हम सारी लेडीज आपके साथ हैं। आप ये कानून बनाइए, कानून बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारा भारत केवल जनसंख्या की वजह से पीछे है। हम उपाय हम कानून कैसा हो हम महिलाओं से ही तय करते, क्योंकि संसद है, संसद में कानून बनते हैं। इसलिए उपाय क्या होना चाहिए, कानून का स्वरूप क्या होना चाहिए, हमारे साथ निशु जी है, क्या समझ सकेगा कि धर्म से इन बातों का कोई लेना देना नहीं। ये जो अपनी दुकानें खोल के बड़े बड़े मोटे पेट करके बैठे हुए थे मुल्ला, और दाढ़ी लगाई किसी ने भी और टोपी सर पे रख ली और मुल्ला बन गया, अब वो डिक्टेट करेगा पूरे इस्लामिक लोगों को, पूरे मुसलमानों को, कि देखिए फला चीज कर लोगे तो नरक में पहुंच जाओगे, फला चीज आपने कर ली तो अरे अल्लाह तौबा आपको तो ये हो जाएगा। तब हम डरा करते थे क्योंकि हमारे को कोई समझाने वाला नहीं था। आज आप पर हम पढ़ रहे, फराबाजी बैठी हैं, एडवोकेट हैं, शबनम खान ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, और मेरी बहनें हर कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। तो मुझे लगता है कि जब हम खुद पढ़ पाए, हमने खुद समझा कि हमारे लिए आखिर कुरान में लिखा क्या है। अरे भाई हम अल्लाह का इस्लाम मानेंगे कि मुल्ला का ये जो दाढ़ी लगा के आएगा उसका इस्लाम मानेंगे? तो ऐसे तो कोई भी दाढ़ी लगाएगा हमें कुछ भी बताना शुरू कर देगा। हमने कहा हम आपकी बात नहीं मानेंगे, जो कुरान में लिखा है हम उसको फॉलो करेंगे। और ट्रिपल तलाक की लड़ाई चव्हाण के भाई साहब, जो आपने और हमने बहुत साल पहले से स्टार्ट की थी, वो हमारी जीत ही हमारे कुरान की वजह से हुई है। हमने जो मांग की जो कुरान में नहीं है हम उसे नहीं मानेंगे, और जो मुल्ला कहेगा उसकी भी नहीं मानेंगे, क्योंकि मुल्ला हमेशा हमें गलत राह पर सिर्फ अपनी रोटियां सेकने की वजह से ले जा रहे थे। आज उनकी दुकानें बंद हुई हैं और कठमुल्ला कितने भी हमें धमकियां देते रहे उससे हम डरने वाले भी हैं। बिल्कुल, और जब ये कानून ही जब बन रहा है तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा विजय है ट्रिपल तलाक के ऊपर। लेकिन अब इस मुद्दे की शुरुआत हुई है, इस मुद्दे पर आप तो फराज आप जानते हैं, ऐसे मुद्दे पर बात करना हिंदुस्तान में क्रिमिनल माना जाता है। लोग कहते कि ये बात आप धार्मिक कट्टरता फैलाने की कर रहे हैं। जब हमने इस मुद्दे को उठाया तो ज्यादातर मीडिया वालों ने यह कहा कि भारत के टीवी पर ऐसा विषय नहीं हो सकता, तो क्या ये बात करना भी गैर कानूनी है? नहीं, गैर कानूनी बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमें हर विषय पर डिबेट करनी चाहिए। जब तक हम डिबेट नहीं करेंगे, डिस्कशन नहीं करेंगे, तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट कैसे होंगे? और आज जिस समस्या से हिंदुस्तान जूझ रहा है उसे हमें फेस करना ही पड़ेगा। और उसमें दो ही मेन समस्याएं हैं, पहला है पॉपुलेशन, दूसरा है आतंकवाद। और हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये आतंकवाद की जो जड़ है वो सिर्फ और सिर्फ ये कठमुल्ले हैं, इनके अलावा कोई नहीं है। इन्होंने पाकिस्तान को हमारे से अलग कर दिया। आज भी अगर हम ढूंढते हैं तो नक्शे में ढूंढते हैं कि हमारा भारत यहां तक था, हमारा भारत में अफगानिस्तान भी था, लेकिन इन कठमुल्लाओं की वजह से ये सारी चीजें हमारे से अलग हो गई। हम जो चाहते हैं वो पूरा राष्ट्र चाहते हैं, पूरा हिंद चाहते हैं, हम टूटा फूटा इतना सा हिंद नहीं चाहते, पूरा हिंद चाहते हैं। जो तोड़ने की बात करते हैं उनके लिए निश्चित तौर पर ये जरूरी है। हमारे साथ मैंने जैसे आपको परिचय में बताया था कि निशु शर्मा है, पहले अनम खान थी, ट्रिपल तलाक की विक्टिम है। आप क्या कहना चाहिए? मेरा नाम निशु शर्मा है। 11 साल पहले एक मोमडन लड़के से मैंने प्यार किया था और उन्होंने मुझे झूठ बोला था। वो एक मोमडन थे और एक मोमडन लड़की ने ही उनसे मेरा परिचय करवाया था। और इसके बाद वो मुझे मंदिर में मेरा पीछा करते हुए मिले। मंदिर में मैंने उन्हें पूजा करते हुए भी देखा। और इसके बाद बहुत ही धोखे से, बहुत ही चाल से उन्होंने मुझसे शादी की। जब अफेयर था मेरा उनसे तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि मैं हर धर्म को मानता हूँ और मैं आपके लिए हिंदू भी हो सकता हूँ, लेकिन समाज की वजह से और अपने घर वालों की वजह से आपको मुझसे निकाह करना पड़ेगा। मैं इस चीज़ के लिए एग्री हो गई। और बाद में शादी के बाद एक हफ्ते बाद
जब मैंने उनसे ये बोला कि आपने बोला था कि मैं हिंदुओं की तरह रह सकती हूँ, और जो मैं अपने घर से शिवलिंग लाई थी, मैंने जब उनसे बोला कि मैं आपके घर में एक मंदिर बनाना चाहती हूँ, तो उसने वही शिवलिंग उठाकर अपने घर से बाहर फेंक दी। और उसके बाद उसने मुझे इस तरीके से कैद करके रखा, उसने और उसके घर वालों ने, कि कभी मैं उसके घर से बाहर निकल ही नहीं पाई। और एक हफ्ते बाद ही उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। और इस बीच हमारे 3 बच्चे हुए, और उसने एक मर्डर भी किया हुआ था, जिसका पता भी मुझे शादी के 10 साल बाद चला। 10 साल बाद जब उसे सजा हुई इस केस पे, आजीवन कारावास की जी। और अभी 2 साल पहले उसे सजा हुई थी, उसने मर्डर किया था शादी से पहले। एक वकील है एनयू अंसारी, उनके बेटे अजहर अंसारी का उसने मर्डर किया था, तो पहले से क्रिमिनल टाइप का था। ये बात मुझे बाद में पता लगी। मैं 10 साल उसके टॉर्चर बर्दाश्त करती रही। इस बीच हमारे 3 बच्चे भी हुए, और 2 साल पहले जब उसे आजीवन कारावास की सजा हुई, तब अभी तब उसके बाद उसने वो मेरे पास से चला गया। मेरे पास मौका था वहां से हट जाने का। हम आपकी स्टोरी को अलग से, मुझे लगता है कि विस्तार से लोगों के सामने रखना चाहिए। एक एक जो आपकी बात है, मैं आप दोनों से इस विषय पर पूछना चाहूंगा, क्या ये तरीका अमानवीय भी है, अनैतिक भी है और गैर कानूनी भी है कि आप मुसलमान होते हुए भी अपना धर्म बदलकर, क्योंकि आपको दूसरे को कन्वर्ट करना है इसलिए? देखिए, इलीगल तो है ही, अनैतिक भी है, अमानवीय भी है, लेकिन क्योंकि मैं हर बात को इस्लाम से इसलिए जोड़ करके बता रही हूँ ताकि जो कठमूल्य हैं उनकी खोपड़ियों के दरवाजे खुले और उन्हें ये पता चले कि इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम कभी भी कंपल्शन नहीं कहता, इस्लाम जबरदस्ती बिल्कुल धर्म बदलवाने की बात नहीं करता, इस्लाम बरगलाने की बात बिल्कुल नहीं करता। इस्लाम किसी को बरगला करके फिर उसे निकाह कर लो, उस पर जबरदस्ती करो, उसका धर्म परिवर्तन कराओ, इस चीज के लिए वो बिल्कुल नहीं कहता। और एक चीज जो मैंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के भी मैंने पिटीशन फाइल की हुई है, उसमें मैंने मदीना चार्टर लगाया है। मदीना चार्टर 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इंट्रोड्यूस किया था, और वो रिटेन चार्टर है, और वो उस टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया था जब मदीना में अलग 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 फिरके के लोग रह रहे थे। वहाँ ज्यूज भी थे, यहूदीज भी थे, मुसलमान भी रहते थे, अलग कुरैश खानदान के लोग थे, तो उन सबको किस तरह से एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, तो उसके लिए वो चार्टर इंट्रोड्यूस किया गया। किस तरह से वो नेशन में रहेंगे, एक राष्ट्र में, एक सूत्र में बंध के रहेंगे, उनके लिए नेशन सिक्योरिटी पहली चीज बताई। लेकिन यहाँ तो दूसरे नंबर पे लाए। नहीं, लेकिन यहाँ तो जिन्होंने इनके साथ ऐसा षड्यंत्र किया उनको गाड़ी दी जाती है, पैसे दिए जाते हैं, प्रायोजित किया जाता है। मैंने अभी क्या बताया, 2 समस्याएं हैं, आतंकवाद और पॉपुलेशन। ये आतंकवाद का रूप हो सकता है, ये इस्लाम का रूप नहीं हो सकता, ये आतंकवाद का रूप। बिल्कुल, बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं आप जी। बिल्कुल, जिस लड़की ने साजिद खान से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था, वो खुद एक मामलन थी, और पहले वो खुद मेरी फ्रेंड बनी, और उसके बाद उसने साजिद खान को इंट्रोड्यूस करवाया। मैंने लव जिहाद पे भी काम किया है, और लव जिहाद पे मैंने बताया कि एक लड़की की जिंदगी को बर्बाद करना ये इस्लाम नहीं सिखाता। और आप उस लड़की को उस स्टेज पर लाकर रियलिटी के दर्शन कराते हैं जब उसका वापस लौटने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। ना समाज उसको एक्सेप्ट करता, ना उसका परिवार उसको एक्सेप्ट करता, उस टाइम पे वो कहां जाएगी? तब तक वो, जैसे आपने बताया 3 बच्चे हैं, तब तक वो 2-3 बच्चों की आप माँ बना देते उसको, तो वो बच्चे कहां जाएंगे? ये तो हुआ ही, ये तो इनके साथ जो होना था हुआ, इनके बच्चों के साथ हुआ, उसका भी जो पारिवारिक जीवन है वो भी उद्वस्त हुआ। बिल्कुल, और आजीवन कारावास की सजा नहीं होनी चाहिए थी, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए थी, और फांसी की सजा इस्लामिक तरीके से होनी चाहिए थी, शरीयत के हिसाब से होनी चाहिए थी। और शरीयत का तरीका ये है कि चौराहे पे खड़ा करके उसको फांसी की सजा दी जाए, ताकि लोग उससे इबरत हासिल कर सके। बिल्कुल, हाँ, आप कुछ चौहान के जी, पहली बात तो अगर आप इस्लाम में ये लिखा ही नहीं है, अगर आप किसी को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, या किसी और आडंबर में फंसा के मुस्लिम बनाना चाहते हैं, तो वो मुसलमान कभी बनेगा नहीं, ये लिखा ही नहीं है वहां पर। ये तो मेरी जब तक मन की इच्छा, मैं आपके जैसे, अगर मुझे हिंदू धर्म में इतनी अच्छाइयां नजर आती हैं और मैं दिल से चाहूं कि मुझे हिंदू बनना है, मैं तभी हिंदू बन सकती हूं, नहीं तो मैं हिंदू धर्म भी नहीं अपना सकती हूं। तो ये तो एक अलग पहलू है। ये जो अभी एक प्रॉब्लम बता रही है, ये तो एक बड़ा एक जाल जो बुना हुआ है देश में, जो बाहर से फंडिंग करता है इस चीज को कि आप लड़कियों को फंसाइए और उन्हें मुस्लिम बनाइए। और ये तो अभी कम बता रही है, इस पर जो मैं काम कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि उन लड़कियों को सेक्स रैकेट में धकेला जाता है। बिल्कुल धकेला, कि एक लड़की आप बहला फुसला कर ले आए, फिर उस लड़की से आपने प्रोस्टिट्यूशन शुरू करवाया,
तो ये सब एक बड़े लेवल पे काम क्योंकि वो मजबूर है ना, पीछे जाने का रास्ता नहीं है। आप सोचिए, एक दबंग एक ताकतवर महिला भी बाहर नहीं निकल पाती है, जो खुद जॉब करने वाली महिला है, मैं उनकी तकलीफें सुनती हूँ दिन भर। आप सोचिए, एक जो दब गई है, घुट गई है, जिसे दबा लिया गया है, वो कैसे बाहर आएगी? इसका इसके लिए आप पर हम उपाय, आप हमेशा कहते हैं, मुझे आपकी एक बात अच्छी लगती है हमेशा कि आप उपाय पे जरूर बिल्कुल, बात बिल्कुल, करते बिल्कुल। तो उपाय ये है कि आप पर हम सरकार के कान खोलें कि इस तरीके का जो गैंग है, जो इन चीजों को काम को दे रहा है अंजाम, इन पर शिकंजा कसने के लिए जो भी एजेंसी लगाई जाए लगाई जाए। और लड़कियों को भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी, जब कोई आपको कह रहा है मैं मुस्लिम लड़का हूं, तो पहले ही थाने में, कंसर्न थाने में जाएं और उससे ये लिखवाएं, मैं तेरे इस्लामिक धर्म में नहीं आऊंगी। अग्री करता है तो बता। आप पर हम भावनाओं में बहकर कहीं ना कहीं जल्दी से उसके साथ हाथ में हाथ डालकर चले जाते हैं, लेकिन आपको और हमें भी अवेयर होना होगा। जी, जो बात शबनम जी कह रही है, क्या आपको नहीं लगता कि आपकी भी गलती थी? जी, मुझे लगता है मेरी भी गलती। प्यार में गलती नहीं, प्यार हो जाता है, प्यार में होता है ऐसा। नहीं, ठीक है, लेकिन जो लड़की आपको देख रही होगी, क्योंकि हम अभी लोकसंख्या पे दोबारा जाएंगे, जनसंख्या पे, जो आपसे गलती हुई, क्या हुई जो आप उन लड़कियों को बताना चाहती है जो लव जिहाद की शिकार है? जी, प्यार हुआ था, लेकिन प्यार करना कोई गलती नहीं होती है, और जी प्यार में अंधा नहीं होना चाहिए, और प्यार में जो डिसीजन लेने चाहिए वो दिल से नहीं, दिमाग से लेने चाहिए। नहीं, प्यार में आप डिसीजन हमेशा दिल से ही लेते हैं, से लेते हैं, लेकिन आप जब प्यार में इन्वॉल्व हो रहे हो तो पहला प्यार जो है वो माँ बाप का प्यार होता है आपको। नहीं, मैं तो कहता हूँ जिन्होंने आपकी परवरिश की है, नहीं, पहला प्यार हिंदुस्तान होना चाहिए, पहला प्यार हिंदुस्तान होना चाहिए। हिंदुस्तान में करेंगे हम, लेकिन जिन माँ बाप ने आपको पैदा किया, नहीं, हम इसमें भी एक ऐसी चीज है कि आप हम हो जाते हैं इन्वॉल्व, लेकिन हाँ, अब आप और हम अवेयर कर सकते हैं कि जब भी आप किसी लड़के के बाजू में हाथ डालकर घूमने की कोशिश करें, तो आप कम से कम इतना तो जान ले, और दो चार दिन साथ रहने पे आप उसके अंदर का कुछ मटेरियल तो निकाल ही पाते हैं, और इसका मन प्रेम से भरा है। सारे शबनम खान नहीं है ना, ये लोग तो बह जाते हैं। हमारे पेरेंट्स से भी है कि उनकी बच्चियां जब वो इधर उधर होती हैं, ऐसा नहीं है पूत के पांव पालने में नजर आते हैं, तो बच्चियों के पास मोबाइल आ रहा है, बच्चियां गिफ्ट ला रही है, कोई चीजें ला रही हैं, खाने पीने के टाइम पे घर से बाहर गायब है, तो उनका पता करना चाहिए वो कहाँ जा रही हैं, कौन लोग उनके दोस्त हैं, क्या है, और इतना बड़ा दिल रखना चाहिए आप उनसे बच्चों के साथ में बहुत ही फ्रेंडशिप वाली ट्रीटमेंट दें, उनको कहें आपका दोस्त आपके कोई भी है, आप फ्रेंड को घर पर बुलाइए, झगड़ा हो घर में भी हो, आप ऐसे फ्रेंड ट्रीट करिए, बिल्कुल बिल्कुल, माँ बाप को ऐसे फ्रेंड। हमारे साथ एक ही बेटी है, लेकिन मैंने अपनी बेटी से कहा हुआ है, आपका कोई भी फ्रेंड है आप उसको घर पर इनवाइट कीजिए, आप उसके साथ बाहर नहीं जाएंगे। तो भरा जी, ये कटमुल्ले तो आपसे और नाराज हो जाएंगे, क्योंकि क्योंकि आपने तो एक ही बेटी रखी है। नहीं, मैंने शादी भी नॉन मुस्लिम से की है। वो तो ठीक है, इन्होंने तो शादी देखी है, तो मैं ऐसे दो मुस्लिम बहनों के बीच में हूँ, इनसे कटमुल्ले और ज्यादा डरती है, क्योंकि उन्होंने शादी नहीं करी, उन्होंने केवल एक बच्ची की है, तो हम दो, हमारे दो से भी ज्यादा आदर्श है दोनों। चलिए, आप कुछ कहना चाहती है? हाँ, पहली बार मैं यहाँ पर आई हूँ और मुझे वाकई में बड़ा अच्छा लग रहा है। इस समय जो है, जैसा कि चौहान साहब ने कहा कि हिंदुस्तान मेरा प्यार है, नो डाउट, बिल्कुल मैं इस बात से उनके एग्री करती हूँ, और आज का जो हमारा टॉपिक है जनसंख्या नियंत्रण का, वो हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। सवाल ये है कि हिंदुस्तान की वाकई में इतनी जनसंख्या हो गई है कि कभी कभी हम लोग को सोच के घबराहट होने लगती है कि आने वाले सालों में हमारा देश कहाँ जाएगा। और मेरे ख्याल से कोई शिक्षित हो या अशिक्षित हो, कोई भी हो, इस पॉइंट पे कभी ना कभी तो जाने अनजाने वो जरूर सोचता होगा कि हमारे हिंदुस्तान का अगले आने वाले 20-23 सालों में क्या होगा। क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण अगर कुछ लोग करते हैं और सब लोग नहीं करते हैं, तो कितनी खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है, मेरे ख्याल से मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं। इस समय जो आप ये देखिए कि जो ये बात हो रही है कि शिक्षा,
अगर जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं है तो आप तो ठीक से शिक्षा भी नहीं दे सकते, हमारे बच्चे शिक्षा भी नहीं ले सकते, हवा भी नहीं है, शुद्ध हवा तक नहीं है, शुद्ध पानी नहीं है चलने के, ना हमारे पास, ना हम ठीक से शिक्षा ले सकते हैं, ना हम बेरोजगारी दूर कर सकते हैं, ना हम स्वास्थ्य समस्या को दूर कर सकते हैं, ना हम किसी भी समस्या को दूर करने में असमर्थ हैं। आज अगर हम सरकार को कहते हैं कि आप बेरोजगारी की समस्या दूर नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी चुनौती है उसके सामने, और इसकी जिम्मेदारी, इसकी जिम्मेदार बहुत हद तक हमारे देश की जनसंख्या भी है। बिल्कुल, लेकिन सरकारें भी इसलिए जिम्मेवार है क्योंकि इस विषय पर जो सख्त कानून सरकारों ने लाना चाहिए था वो लाया नहीं, इसलिए संसद को, भारत के संसद को, जबकि अधिवेशन के समय में इस जन संसद को कह रहा हूं, आह्वान करता हूं तमाम सांसदों को, अपने राजनीतिक दलों के दिशा निर्देशों के पॉलिसी के बावजूद तमाम सांसद इन सारी आज के सुदर्शन जनसंघ के संसद की सांसद बहनों के अपील को जाने, और संसद में केवल माफी मांगने को लेकर और ऐसे विषय विषयों को लेकर जो हंगामा हो रहा है उसके बजाय सख्त कानून लाने के लिए वहां आवाज उठाई जाए जिसका नारा हो हम दो हमारे दो तो सबके दो। हमारे साथ कारपोरेट जगत से भी हमने आज कहा था कि प्रतिनिधि हमारे साथ रहेगी, आपका क्या कहना है? पहले तो यहाँ पर अभी सब महान हस्तियां बैठी है तो मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैं जब सुनती हूँ न्यूज चैनल पर ये सब टॉपिक या विषय चर्चा चालू रहती है तो मैं भी वही सोचती हूँ कि हमारा देश के जितने भी नेता है वो वाकई में अपना समय वेस्ट कर रहे हैं इन सब चीजों को लेकर, और मैं ये चाहती हूँ कि इस देश का हर व्यक्ति इतना तो काबिल है कि खुद से सोचे, हम लोग बच्चे तो नहीं है कि हर चीज जो नेता बोले वही हम लोग करना चाहिए, राइट? और दूसरा चीज मैं ये सोचती हूँ कि कोई धर्म नहीं होता है, दिस इज व्हाट आई बिलीव इन, ये हमारी सोच है, इंसानियत ही धर्म है, और ये जो है कि तीन शादियां ये सब, तीन नहीं चार, तीन या चार और जितनी बच्चे भी 44 हाँ। तो जितनी भी शादियां जितने भी बच्चे हैं ये कोई धर्म में ऐसा लिखा हुआ नहीं है क्योंकि सब धर्म आप आजाद है और वाकई आप आजाद इसलिए ऐसा बोल रही है exactly. बहुत सी महिला ऐसी भी है जो ये कहती है कि आप कहे तो सही रहे समझ भी हम रहे, जब मेरे बच्चे खेलने जाते हैं तो उनके साथ खेलने वाले बाकी बच्चे की तरह मेरा बच्चा स्कूल नहीं जाता, वो किसी फिटर के पास, मैकेनिक के पास गाड़ी का पंचर निकालने के लिए जाता है तो मुझे दुख होता है, लेकिन क्या ऐसा धार्मिक गुलामी मन में लाई गई है, ठोसी गई है जो उनको इससे आजादी नहीं देती? शबनम जी, हेलो, मीन हर कोई चाहता है कि मेरी सेहत खराब ना हो, मैं कम बच्चे पैदा करूं, अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊं अपने बच्चों को, हर माँ चाहती है मैं अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनाऊं अपने बच्चे को, मेरा बच्चा सबसे सुंदर लगे जब बाहर जाता हो, सारी सुविधाएं मैं अपने बच्चों को प्रोवाइड करूं, कोई माँ देश की ऐसी नहीं होगी जो ये सब नहीं चाहती जी, पूरी दुनिया की। लेकिन ये जो मौलाना थे, आप कहते हैं कि बार बार मौलानाओं पर आ जाती हैं, लेकिन इन्होंने ही बिगाड़ा सारे इस्लाम धर्म का पैटर्न, इन्होंने कहा जितने मर्जी बच्चे पैदा करिए, औरत बच्चे पैदा करने की मशीन है, इन्होंने कहा औरत को घर में रखिए, औरत परफ्यूम नहीं लगा सकती और बाहर नहीं जा सकती, औरत नौकरी नहीं कर सकती, ऐसा इस्लाम में लिखा है, और अगर आपने नहीं माना मेरी बात मुल्ला की तो आप नष्ट हो जाओगे और नर्क में जाओगे, नर्क तो मतलब छोटी चीज हो गई, फिर कहां भेजेगा उसका मतलब, और हम लोग, मैं आपको सच बता रही हूँ, ये आप पर हम हंस रहे हैं अभी, लेकिन ये बहुत बिल्कुल 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 क्योंकि आप इसके खिलाफ बोल रही है तो आप हंस के बोल रही है, जिसकी श्रद्धा है, जिसको लगता है कि ये जो दाढ़ी टोपी वाला है ये बोल रहा है ये इस्लाम का प्रतिनिधि है, तब वो तो श्रद्धा से सुना करते थे कि अरे ये कुछ कह रहे हैं तो भाई सचमुच ऐसा ही होगा, लेकिन आज जो आप पर हम बात कर रहे हैं कि अगर कानून ही पारित हो जाए, जैसे ट्रिपल तलाक पे कानून आ गया, हाँ। आपने देखा कानून आ गया तो किसे मुल्ला की हिम्मत नहीं है कि कहे तीन तलाक हो गए जी, पहले दाढ़ी पे हाथ आज तो आज मुल्ला इस बात से परेशान फिर रहे हैं कि उनकी पूछ नहीं हो रही है कानून बनाए जाने में, ये कह रहे बार बार जाकर के नेताओं से मिल रहे हैं कि तीन तलाक होता नहीं है पर दे दिया तो हो गया,
अब कह रहे हैं कि हम अवेयर करेंगे। अभी अगर आपने सुना हो इनका मुस्लिम पर्सनल लॉ बिल्कुल रुख बदल गया है, जाके अवेयर करेंगे भैया तीन तलाक मत दो। अरे अब तो हमारे देश के कानून ने दे दिया महिला को अधिकार, अब आप कौन होते हैं कुछ भी कहने वाले। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगी, क्योंकि आप जब आवाज उठाते हैं तो बड़े बड़ी चीजें मैंने बदलते हुए देखा है। और आप उसकी क्योंकि सुदर्शन चक्र जब चलता है तो कौरवों का नाश सबका नाश होगा। बिल्कुल, तो मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगी, आप बच्चों पर भी बिल लाइए ना। बिल्कुल, क्या बुराई क्या है? अरे दो बच्चे होंगे तो मेरी मुस्लिम बहनों की सेहत सुधरेगी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, मुस्लिम बहन भी सम्मान से अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाने की हिम्मत जुटा पाएगी। बिल्कुल, तो आप और हम इस सब चीजों पे काम करें और सरकार से आपके माध्यम बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा जब हो जाएगा तो फिर ये मुल्ला कहेंगे कि भाई हम तो पहले ही ये कह रहे थे। आज भी हमारा जो देश है स्टिल डेवलपिंग कंट्री में आता है, तो इसका जो रूट कॉज है मेरी समझ में इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। ये इंक्रीजिंग पॉपुलेशन जब तक चेक नहीं होगा, जब तक इसके ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, और इसका कंट्रोल जैसे हम लोगों की जो मेंटेलिटी है वो केवल और केवल लॉ बनने के बाद ही हो पाएगा। जब तक कोई लॉ नहीं बनेगा हम लोग इसके ऊपर नहीं सोचेंगे। मैं इसको किसी धर्म से जोड़कर नहीं देखती, ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है, बहुत लोगों में सबके लिए बहुत बहुत ज्यादा बच्चे हैं, उनको मैं समझाती भी हूँ। मेरी जो अपनी काम वाली है उसके 6 बच्चे हैं, मैं उसको भी भाई तूने 6 बच्चे पैदा कर लिए, होगा क्या, पालेगी कैसे, उनके भी 6 बच्चे हैं। तो ऐसा नहीं है, तो मेरा अपना मानना यह है कि इसके अगेंस्ट अपने चैनल के माध्यम से आपके बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मेरा प्रश्न जो शबनम जी ने और उन्होंने बोला था कि धर्म नहीं किसी चीज पे जोड़, इसका जो हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा वो बहुत जल्द, जो संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट दी है, बहुत अनुमानिक रिपोर्ट दी है, उसमें कहा गया है कि 2022 तक जो भारत है वो चीन की सीमा भी मतलब जनसंख्या वृद्धि को पार कर जाएगा। So, मेरा कहने का मतलब है कि जहां तक मैं बात करूं, जो अभी थोड़ी इस्लाम की बात चल रही है या हिंदू धर्म की बात हम लेते हैं, तो हिंदुओं में भी है कि एक विवाह होता है तो दूसरा विवाह हिंदू तब तक नहीं कर सकता जब तक उसको या तो वो पूरी तरह से तलाक न ले ले, अगर वो बिना बताए विवाह करता है तो कानूनी कार्रवाई। बिल्कुल, जो बात आपने उठाई है मैं एज अ लॉयर आपसे जानना चाहूंगा फरहाद, क्योंकि 4 और 44 का जो कैलकुलेशन है या बच्चे बढ़ने का कारण एक है कि एक से ज्यादा शादी, तो ये एक से ज्यादा शादी पर भी तो रोक लगनी चाहिए। नहीं, हमारा जैसे मेरा कहने का ठीक है, आपका सवाल समझ में आया। मेरा ये जो मेन पिटीशन फाइल हुआ था जो जिसकी मैं पक्षकार रही हूँ, उसमें 3 मुद्दे थे, 3 तलाक, तलाक ए बिदत, और दूसरा था पॉलीगैमी 4 शादियां, तीसरा था निकाह हलाला जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये उसके इश्यूज थे। लेकिन जस्टिस खेर ने कहा कि हम अभी जो सुनवाई करेंगे वो सिर्फ 3 तलाक पे करेंगे, एक इशू पे करेंगे, पॉलीगैमी को दोबारा से रेज किया जा सकता है, तो पॉलीगैमी वाला जो चैप्टर था वो बंद नहीं हुआ है, वो स्टे हुआ हुआ है, वो इसका हिस्सा है जो हम अभी बात कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जैसे मतलब हम जो कह रहे हैं कि हम दो हमारे दो तो हर बीबी के दो नहीं है जी, नहीं तो फिर तो 8 वैसे भी हो जाएंगे। इस्लाम 4 शादियां एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए, कभी भी कोई भी मुल्ला आपको ये नहीं कहता कि इस्लाम सिर्फ और सिर्फ एक शादी के लिए कहता है, वो हमेशा उन्होंने यही कहा है कि आप 4 शादियां कर सकते हैं। अरे आप वो कंडीशन बताइए ना, किन परिस्थितियों में दूसरी या तीसरी या चौथी शादी हो सकती है, उसके लिए आपको पहली वाइफ की कंसेंट लेनी पड़ेगी दूसरी शादी करने के लिए। पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, उससे आप पाकिस्तान को इतना सपोर्ट करते हैं, हर एक मुल्ला पाकिस्तान को वोट करता है, तो पाकिस्तान में बाकायदा ऑर्डिनेंस 1961 में आ गया है, वहां पर अगर आपको दूसरी शादी करनी है तो आपको उस आर्बिट्रेशन काउंसिल में अप्लाई करना पड़ेगा,
वो आर्बिट्रेशन काउंसिल वेरिफिकेशन करेगा पहली वाइफ की पहली वाइफ की तो आर्बिट्रेटर्स इजाजत देंगे कि आप दूसरी शादी कर सकते हैं। ऐसे नहीं आपने एक यहाँ पर गए एक शादी कर ली बच्चे पैदा कर लिए फिर आप दूसरी जगह गए तो वहाँ दूसरी शादी कर ली फिर ओवीसी ने ओवीसी को पहली पत्नी थी उससे बच्चे नहीं हुए तो उसने दूसरी कर दी और अभी पता नहीं आगे भी क्या कर पाएगा। अच्छा हमारे साथ निशु तो हर मुसलमान को ये चाहता है कि मुसलमान जो है अपंग रहे ओवैसी हमेशा उनकी बैसाखी मजबूत करने की बात करता है ओवैसी कभी नहीं चाहता मुसलमान टाइप के लोग हैं ना पैरों पर खड़ा हो सके मुसलमान ना कभी आगे बढ़े ना समाज की मुख्य धारा से जुड़े ना औरतें इस तरीके से बाहर आकर अपनी बात कह पाए पिछड़ा हुआ समाज पिछड़ा हुआ मेरे हिसाब से ओवैसी सिर्फ एक जोकर है वो इस तरह की बातें करते हैं जिससे एंटरटेनमेंट हो लोगों का ऐसा ऐसा कितने इस संसद के कितने लोग मानते हैं कि ओवैसी जोकर है। मैं तो मान दोनों हाथ ऊपर कर रहा हूँ सब लोग मानते हैं कि ओवैसी जोकर है ठीक है सुन लीजिए हालांकि हम जोकर कह के विलन को जोकर कह रहे हैं तो उसके पाप को कम कर रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं जोकर कहा आगे और कुछ कहेंगे। निशु क्या आपको ये भी डर था क्योंकि आपका पति मुस्लिम है तो आप अगर कुछ विद्रोह करेगी विरोध करेगी तो वो एक और शादी कर लेगा ये डर भी था जिस कारण आप उसके साथ रही दूर नहीं हुई? नहीं सर उसकी मारपीट से ही मैं बहुत ज्यादा डरती थी क्योंकि वो मुझे हर तरीके से मारता था और उसके घर में अवैध हथियार थे कई बार उसने जान से मारने की कोशिश की मुझे फिर वो उसके क्रिमिनल टाइप होने का पता लगा मुझे टेररिज्म वाले टच जी मैंने कहा था कि आतंकवाद और अभी भी जो और कठपुतली की जड़ है जी इन्होंने ही मुसलमान की पहचान आतंकवाद से करा रखी है। आज मुसलमान की जो पहचान होती है वो आतंकवादी के रूप में होती है इन्होंने उसको ला करके अब आप ये देख लीजिए तमाम दुनिया भर के मदरसे खोल करके रख दिए अब उसने जो पढ़ा हुआ बच्चा है उसने सेकुलर एजुकेशन ली नहीं है वर्ल्डली एजुकेशन उसके पास है नहीं है नौकरियों में वो कर नहीं सकता वो सिर्फ और सिर्फ मदरसों में पढ़ा सकता है मस्जिद में जा सकता है। पाकिस्तान का जो जनरल पाकिस्तान के जनरल ने कहा कि हमारे यहाँ पर जो कि वैज्ञानिक एजुकेशन नहीं दी जाती सारे बच्चे अगर मदरसे में जाएंगे इतने काजी और मुल्लाओं की जरूरत नहीं है तो बाकी कहाँ जाएंगे बाकी आतंकवादी बनेंगे। बिल्कुल आप ये देखिए अजमल कसाब को कितना ज्यादा सर आज की समस्या के ऊपर हाँ समस्या और समाधान एक 3-4 मिनट की कविता के रूप में आज मैं सुनाना चाह रही हूँ शॉर्ट में हाँ सर मुझको बड़ी प्यारी है मेरी भारत भूमि ज्ञान भंडारी है मेरी भारत भूमि कितना शक्तिशाली मेरा भारत देश बना है जनसंख्या बढ़ा के इसका हृदय छलनी किया है हमारे दो उनके क्यों दो के 22 हुए मेरी भारत भूमि। आप तो आधा ही बता रहे हैं 2 के 22 4 44 है 2 22 क्यों कह रही है। चलिए हमारे साथ और भी कई लोग जुड़े हैं जो बात करना चाहते हैं उनके पास बाद में लेते हैं बाद में कविता के कार्यक्रम में आप मेरे को बुलाएंगे। हाँ आज यहाँ तोहफे चल रही है जरा उसको हाँ आगे चलते कोई और बात करना चाहता है जैसे कि हमारा ये विषय चल रहा है जनसंख्या नियंत्रण वाला अभी 2 दिन पहले भैया के पास 4 उनके एक मैसेज भी आया है कि आपकी तो 4 ही दिन की जिंदगी रह गई है इस विषय को आप देखिए इतना मतलब इसका मतलब है कि हम सब कुछ बदल इसका मतलब ये हुआ अगर किसी ने ये लिखा है तो इसका मतलब हुआ कि मतलब इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं। और जहां तक मेरा तो मानना है कि जब हम देश हित की बात करते हैं क्योंकि ये देश हित की बात है इसमें धर्म को तो खैर हमें लेना ही नहीं है ये देश हित की बात है और जब देश हित की बात है तो हर एक आदमी को आगे आना चाहिए। हम देखते हैं कितने क्योंकि मैं बिल्डर हूं प्रोफेशन से तो मेरे यहाँ बहुत लेबर काम करती है मैं देखती हूँ उन लोगों को 1 के 5
साथ सात सात बच्चे और कभी कपड़ा मांगने आ रही है, कभी रोटी मांगने आ रही है, और मैं उनको कहती हूँ कि बच्चे कम करो, तुमने इतने बच्चे पैदा क्यों करे हैं जो तू मेरे घर में बार बार रोटी कपड़ा ये सब मांगने आती है। तो कहती है क्या करूं कैसे करूं, घर के लोग मानते नहीं है, बुढ़िया नहीं मानती है, आदमी नहीं मानता है। तो जो ये मुहिम चली है ये बहुत अच्छी चली है, और मैं इसी चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर विनती पूर्वक एक प्रशासन से कहना चाहती हूँ कि इसको गंभीरता से लिया जाए, ये ना हो कि हम लोग केवल बात करके रह जाएं, इस विषय को गंभीरता से लिया जाए और सभी लेडीज सभी महिलाएं बिल्कुल दल बल के साथ आगे आए। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे और सरकार इसको गंभीरता से ले ले, इसलिए हम इस कैंपेन को चला रहे। स्क्रीन पर एक नंबर चढ़ रहा है जहां पर मिस कॉल करके आप इस अभियान के साथ जुड़ सकते हैं, और पूरे हिंदुस्तान को जगाने के लिए समझाने के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की भारत बचाओ यात्रा कर रहा हूं, जो कि एक तरीके से इस प्रकृति के अस्तित्व का सवाल है। इतना बोझ भारत माता पर या पृथ्वी माता पर हम डाल रहे जो कि संभव नहीं है। शबनम जी, जो बात अभी उन्होंने कही कि घर के लोग मानते नहीं है, बहुत से कठमुल्लों के द्वारा एक दलील दी जाती है कि अल्लाह ने चोच बनाई है तो चारा बनाएगा। आपको पता है दी ने अभी बहुत अच्छा कहा कि हम सब औरतों को आगे आना चाहिए, तो मैं हमेशा आपके माध्यम से औरतों से गुजारिश करती हूँ कि जिस दिन आप पर हम अपनी वैल्यू समझ जाएंगे, जिस दिन आप पर हम समझ जाएंगे कि मुझे आप नहीं चला सकते, मैं आपके कहने से नहीं चलती हूँ, मैं आपका अपमान भी नहीं करती हूँ, मैं पुरुष का अपमान भी नहीं करती हूँ, लेकिन आपकी उल्टी पुल्टी बातों में भी नहीं आती हूँ, उसी दिन हमारा देश बदल जाएगा। और जनसंख्या, आतंकवाद, ये वो सब चीजों पे जो औरत बैन लगा सकती है ना, मैं आपके माध्यम से कह रही हूँ यहाँ से कि औरतें आप और हम सब मिलके सारी चीजों को रोक सकती हैं। थोड़ी सी शक्ति जो हमारी अंदर की है हम सिर्फ उसे पहचान, बिल्कुल बिल्कुल, आप और हम वही कहीं कमजोर है, आदमी आएगा हम ऐसे डरते हैं, क्या हुआ एक मार देगा तो दो तो फिर घुमा के हम भी मार सकते हैं, क्या हम इतने कमजोर है? 9 महीने पुरुष को कौन रखता है कोख में अपनी? 9 महीने हम आपका बोझ उठा के घूमते चलाड़ के, भाई साहब आप हमारा बोझ कभी नहीं उठा पाते, सारा परिवार हम चलाते, सुबह ऑफिस भी नहीं जा सकते अगर कच्चा बनियान कपड़े ना मिले आपको, तो खाली कैसे जाओगे? बिल्कुल बिल्कुल, तो आपको हमें अपनी शक्ति को पहचानना होगा, उसी दिन देश बदल उठेगा। इसीलिए आप जो यात्रा निकाल रहे हैं, मैं आपके माध्यम से सारी बहनों से, मैं तो आपको यात्रा में लेके जाऊंगा, मैं तो रहेगा। जो जो बात मैंने आपको कही फराज जी, चोच बनाई चारा बनाए, तो क्या बच्चे कोई जानवर है कि चारा खा के जेल? नहीं, चोच बनाई चारा तो ऊपर वाला ही देगा, खुदा देगा, लेकिन कम से कम वो चारा आएगा कहाँ से, ये तो आपको सोचना पड़ेगा। केवल चारा नहीं ना, शिक्षा भी देनी है, कपड़े भी देने, सारी मान लेके भेजा है। उसके बाद देखिए, अभी जैसे शबनम जी बात कर रही थी, मेरा कहना ये है कि वाकई में औरत ही वो शक्ति है, नारी ही वो शक्ति है जो इस समाज को बदलेगी। बिल्कुल, और क्योंकि सबसे ज्यादा या जो बेसिक प्रॉब्लम आती है इस देश में वो मुस्लिम कम्युनिटी से आती है बार बार, और मुस्लिम कम्युनिटी से इसलिए आती है कि कठमुल्लाओं ने इस कम्युनिटी को अपने शिकंजे में कसा हुआ है, और उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जैसे दारुल उलूम है, दारुल उलूम क्या है, एक मदरसा। सबसे पहले उसने क्या किया, जब इसकी नींव रखी गई, ये नहीं सोचा गया था कि दारुल उलूम जो है अपनी जड़ें इतनी पसार देगा। अगर आपको जड़ें पसारनी थी, इस्लाम को बताना था लोगों को, तो सही दिशा में बनाते। आपने पूरा एक देवबंदी मसला खड़ा कर दिया, एक आदमी आपसे डिसएग्री हुआ उसने बरेलवी मसला खड़ा कर दिया, और ये चीजें की कोई बात नहीं है, ये चीजें लड़कियां पढ़ेंगी या लड़के पढ़ेंगे जरूर, इसकी कोई बात नहीं है, मसला खड़े करना अपना राज्यसभा कैसे आई उस पर देखिए। सबसे पहली जो कुरान शरीफ की आयत रिवील हुई थी वो हुई थी इकरा बिस्मे रब्बिकल लजी, वो आई थी सबसे पहले कि इल्म को हासिल करो, सबसे पहली जो गाइडेंस आई थी वो आई थी एजुकेशन के लिए, लेकिन मुल्ला नहीं चाहते कि लोग एजुकेटेड हों। बिल्कुल, एजुकेटेड होंगे तो इनकी बात में मानेंगे, बातों में नहीं आते। जो प्रॉफिट मोहम्मद के फॉलोअर हैं, अभी उन्होंने क्या कहा, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा है पढ़ाई के लिए चीन भी जाना पड़े तो जाइए, और अपने देश के कानून को मानिए। देखिए, आप ना देश का कानून मानेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। जनगणमन अगर आपको याद हो, खड़ा नहीं हुआ वो मुल्ला? नहीं, नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो आप नहीं, सरकार को तुरंत उसे जेल, बिल्कुल बिल्कुल एक्शन लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ और भी कई। अगर मैं सहारनपुर की बात करूं, देखिए सहारनपुर गढ़ है, क्योंकि देवबंद वही आता है, दारुल उलूम वही आता है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो वही की पैदाइश है जो ये सारे फसाद और फितने खड़ा करते हैं। तो आज वहाँ पर वुड कार्विंग का
हमारा मेन बिजनेस है। पहले बच्चे 10-10 रुपए रोजाने की मजदूरी करते थे, लेकिन आज उन लोगों की समझ में आ गया है कि हम बच्चे पैदा करके 10-10, 20-20 रुपए की मजदूरी करेंगे तो इसका बड़ा जो बेनिफिट मिल रहा है वो कोई दूसरा उठा रहा है। आज वो अपने बच्चे पढ़ा रहे हैं सहारनपुर में जाकर के देखिए, मुसलमान वुड कार्विंग इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो अपने बिजनेस को पूरा कैप्चर करना चाहते हैं, पूरा होल्ड करना चाहते हैं। तो लोगों की समझ में ये बात धीरे धीरे आ रही है, आएगी बिल्कुल बिल्कुल। वो आएगा भी जब अपना बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ाता है, मुसलमानों को कहता है बच्चा पढ़ना नहीं चाहिए, सारे कश्मीरी आतंक वैसे कहाँ के पढ़े, वैसे जो इस्लाम की बात है मैं अपनी बहनों से एक चीज कहना चाहती हूँ, ये बहस अनलिमिटेड है, इसका कोई अंत नहीं है। बोली बोली। आप सिर्फ प्रशासन से एक चीज की गुहार कीजिए कि ऐसा कानून बनाए समान अधिकार वाला, सिर्फ समान अधिकार का एक कानून ही इस चीज पे रोक लगाएगा और नथिंग एल्स। बाकी बात चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, हम उस पे भी जाएंगे, हम एक एक करके लेंगे, क्योंकि अगर हम अगर पूरा सिविल कॉमन सिविल कोड की बात करते तो ये दोनों को उठा के लेके जाते और ये तीन तलाक भी नहीं होता, इसलिए इसलिए धीरे धीरे करते हैं। हाँ धीरे धीरे करते, बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए इधर भी कुछ लोग बात करना चाहते हैं, जैसे बोलते हैं दो हम दो हमारे दो, जो हमारा टॉपिक है इसमें हिंदू बहने तो हिंदू का परिवार तो मान लेता है, सिर्फ जो नीचे तबके के लोग हैं वो नहीं मानते। यहाँ तो सारे चाहे अपर क्लास हो या लोअर क्लास हो या बिल्कुल मिडिल क्लास हो, सब सब दबाव पे हैं, जो हमारी मुस्लिम बहने हैं। जब तक हमारी मुस्लिम बहने बाहर नहीं निकलेंगी अपना घर छोड़ के, एकत्र नहीं होंगी, तब तक इसका कोई मतलब घर छोड़ के नहीं, घर छोड़ने की जरूरत नहीं, छोड़ने का मतलब हाँ मतलब दिल्ली से बाहर आंदोलन आंदोलन, जब तक अपना आंदोलन नहीं करेंगी तब तक। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी, दैट वर्ड हम कभी नहीं चाहते। मैं हिंदू मुस्लिम, मैं तो औरतों को कहती हूँ औरतों को बांटो ही मत, बिल्कुल औरत औरत है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे आगे अगली प्रतिक्रिया आगे, थोड़ा जल्दी जल्दी करें जल्दी। सर मेरा नाम आराधना जाए, मैं आर्द्र फाउंडेशन स्कूल से आई हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि धर्म बहुत से होते हैं, सभी धर्म के सभी कानून होते हैं, तो क्या ये तीन तलाक का एक कानून बन चुका है, तो क्या ये एक नियम नहीं बन सकता, एक कानून नहीं बन सकता कि परिवार योजना सभी बनाए, सभी वही सभी तो बात हो रही है। दो वही बात है, उसी के लिए आज बैठे हैं सर। लेकिन यहाँ पे ज्यादातर लोग ना मौलाना पे ध्यान दे रहे हैं, क्या ये नहीं जानते कि क्योंकि क्योंकि आप समझ नहीं रही है, जो मुस्लिम पुरुष और मुस्लिम महिला या मुस्लिम समाज जो है वो क्योंकि वो सारा मतलब रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है ना, इसलिए उसके ऊपर बात करना जरूरी है। हिंदू धर्म में भी तो कहते हैं कि बच्चे जो है वो भगवान देते हैं, भगवान करते, क्या वो ये नहीं जानते कि एक भगवान ने एक सूरज भी दिया है जो पूरे पृथ्वी को रोशन करता है, तो क्या एक बच्चा पूरे देश को रोशन नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल, यही सोच की आवश्यकता, और इसलिए इस आंदोलन को इस अभियान को हम लोगों के बीच लेके जा रहे हैं। मैं फिर कहता हूँ इस अभियान को तमाम लोगों की जरूरत है, जैसे शबनम ने अभी थोड़े पहले देर पहले कहा कि ज्यादा बच्चे पैदा करवाने के लिए खाड़ी देशों से फंड दिया जाता है, ये कहा जाता है कि ज्यादा बच्चे पैदा करो, मदरसे खोले जाते हैं, मदरसे खोले जाते हैं, लेकिन अच्छे स्कूल नहीं खोलते खाड़ी देश वाले, वो यहाँ पर अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुलवाएंगे कि मुसलमान के बच्चे इंजीनियर हो, क्योंकि फिर उनकी रिमोट तो, उनकी कठपुतली नहीं रहेंगे, पढ़े लिखे हो जाएंगे, उनकी कठपुतली नहीं रहेंगे बिल्कुल। और इसलिए इसलिए अगर इस बच्चे ज्यादा पैदा करने वाले विषय के लिए डोनेशन आता है, पैसे आते हैं, तो क्यों ना इस अभियान को चला रहे राष्ट्र निर्माण ट्रस्ट को आप जो कार्यक्रम देख रहे हैं या आर्थिक सहयोग करें, इसलिए इसका अकाउंट नंबर भी हम चला रहे हैं, इसका पेटीएम नंबर भी चला रहे हैं। इस अभियान के साथ जुड़ने के लिए हम आपका आह्वान करते हैं कि आप मिस कॉल करिए, मिस कॉल पर कॉल करने के बाद आपको हमारी तरफ से संपर्क किया जाएगा। हम कश्मीर से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से दिल्ली ऐसी पूरी यात्रा निकाल रहे हैं, 20,000 किलोमीटर की 100 दिन की यात्रा आपके क्षेत्र से जरूर गुजरेगी, क्योंकि देश का बड़ा हिस्सा इसमें आ रहा है और इसमें इस यात्रा में सम्मिलित हुए हम इस यात्रा के 100 दिन के एक एक जहां हमारा शाम का प्रोग्राम है उसके 100 किलोमीटर को 50 किलोमीटर राइट 50 किलोमीटर लेफ्ट इसको हम शक्ति केंद्र बना रहे हैं, उस 100 किलोमीटर के तमाम लोगों को साथ जोड़ रहे हैं। और मुझे तो आज के जनसंसद से भरोसा है इस यात्रा में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं आएगी, यही ज्यादा भरोसा लग रहा है बिल्कुल। और इसलिए इस नारी शक्ति ही इसका की पॉइंट है, अगर वो मना कर दे
तो बच्चे पैदा करने का सवाल ही नहीं उठता। और इसलिए इस विषय पर कुछ और महिला अपनी बात को कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो महिलाओं को बहुत एक सशक्त होना पड़ेगा, उनको खुद जिम्मेदारी, ये कहना कि हमें नहीं करना, दो बच्चे हम कर रहे हैं उसके बाद नहीं करना है, वो उनको एक ठोस रूप से कहना चाहिए, उनको डरना नहीं है, पहली बात तो वो उन्हें कहना। और दूसरा ये मैं कहना चाह रही हूँ कि चीन में भी तो चीन में भी तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, उन्होंने भी तो कंट्रोल किया है, उनके यहाँ ठोस कानून बनाएंगे तो हमारे यहाँ पर इस तरह से ठोस कानून क्यों नहीं बनाए जा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल फराज, बिल्कुल हमारे कानून की बात है, क्या चीन में कानून बनता है और भारत में बनने की जब बात आती है लोग कहते नहीं नहीं हम तो डेमोक्रेटिक कंट्री है जी, वो तो डिक्टेटर है वहाँ बन सकता है, क्यों डेमोक्रेटिक कंट्री में क्यों नहीं बन सकता? नहीं, डेमोक्रेटिक कंट्री में इसलिए नहीं बन सकता कि हम जो है अपना वचर्स ना खो दें, ये एक डर नेताओं को सताता है और नेता इस ये वोट बैंक पॉलिटिक्स ने सारा नाश किया हुआ है। जिस दिन हमारे यहाँ से वोट बैंक पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी, लोग अपने दिमागों का यूज करने लगेंगे, उस दिन ये सारी समस्याएं कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फराज जी ने उपाय की दिशा में कार्यक्रम को लेकर जा रही है, इसलिए हम उपाय की दिशा में जाते हैं। क्या शबनम ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो कानून बने, इस कानून में दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर उस परिवार पूरे परिवार की सरकारी सुविधा निकाली जाए, राशन पानी बंद किया जाए और मतदान का वोट का अधिकार निकाला जाए तो अपने आप सुधर जाएंगे? देखिए, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहूंगी, आप हुक्का पानी बंद कर दीजिए, खाना मिलना बंद हो जाए, नौकरी उसकी छीन ली जाए, 5 सेकंड में हर एक व्यक्ति को अकल आ जाएगी, सीधा हो जाएगा। देखो इस सरकार मुल्लाओं ने मेंटली प्रिपेयर किया हुआ है, आज मुसलमान की हालत देखिए, स्लम एरिया में 19 साल से काम कर रही हूँ मैं, स्लम एरिया में वहाँ एक एक घर में 8-8, 9-9, 10-10 बच्चे हैं, भुखमरी के कगार पर हैं, भीख मांग के गुजारा करते हैं, सर्दियों में गर्मियों में वो ठंड में सिकुड़ते हैं, लेकिन अगर जरा सी भी दिक्कत होगी वो जाएंगे मौलाना के पास ही। तो जब तक मौलानाओं पर शिकंजा नहीं कसेगा, जब तक मदरसों पर शिकंजा नहीं कसेगा, जब तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाओं पर बैन नहीं लगेगा, तब तक कोई सुधार नहीं आएगा। तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी तो एक संस्था है, हाँ, वो सरकार दीजिए बैन, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है नहीं। और आज तो एक जाबाज प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, बिल्कुल, बिल्कुल। जो ले लेता है डिसीजन किसी भी चीज पर, तो इस चीज पर डिसीजन लीजिए। और आपको पता है, मुस्लिम को शायद सुन के हमारी बातें खराब लग रहा होगा, लेकिन हम उसका भविष्य सुधार रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हम उसको भविष्य के अच्छे तरफ लेकर जा रहे हैं। ये कुछ दिन बाद समझ आएगा, तब कहा करेंगे जय हिंद फराह, जय हिंद शबनम खान, जय हिंद। सहारनपुर में मस्जिदों में अनाउंस हुआ कि फराह फैज को कलमा पढ़ाया जाए, ये ईमान से खारिज हो चुकी है। आज आज जो है कानून बनने जा रहे हैं, तो अगर आज उन्हें ये बात खराब लगेगी, ये डिबेट खराब लगेगी, तो आहिस्ता आहिस्ता एक दिन ऐसा भी आएगा जो जब वो ये कहेंगी कि नहीं, वो लोग जो बात कह रहे थे, सुदर्शन न्यूज ने जो बात शुरू की थी वो सही थी। और जोड़ना चाहूंगी कि हम औरतें हमेशा आदमी हमें सपोर्ट करेगा, आदमी हमें रोकेगा, हमारा कोई बलात्कार करने आएगा तो आदमी ही अवतार लेके हमें बचा, हम इस पे क्यों अटके हुए? बिल्कुल, अरे किसी सुधा को तकलीफ होगी तो शबनम खान दौड़े, किसी रश्मि को तकलीफ हो तो फराह खान दौड़े। मैं अभी यही, अरे एक दूसरे के हाथ में हाथ डालिए ना, देखिए पुरुषों का क्या हाल होता है, चार के हाल सब कुछ बदल लेंगे। मैं तो भाई हूँ सबका, चैनल के माध्यम से यही कहने वाली हूँ कि मैं चौहान जी को बहुत 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 बधाई देती हूँ कि इन्होंने ये मुद्दा उठाया, इनके ऊपर जानता लगा के खड़ी रहती हूँ, उसकी भी आई तभी इन्होंने मुद्दा उठाया। आप मुद्दा उठाइए, हम आपके साथ हैं। चौहान भाई साहब की बैकग्राउंड में जाइए, आरएसएस मिलेगा, आरएसएस के लोग हैं ही इस मेंटेलिटी के, ये जो इस संघ से जुड़ा हुआ है वो निश्चित रूप से नहीं, आपको पर विचार करता है, सोचता है, और ये आपको और आपकी विचार आप शबनम नहीं, शबनम तो आरएसएस से नहीं है, लेकिन जब ये सुदर्शन पे आती है तो सब बोलते हैं ये चलिए, जैसे मुझ पर टैग लगे कि फराह फैज जो है आरएसएस की, चलिए तो हम आप अगर आरएसएस अच्छी चीज सिखाएगी, हाँ शबनम खान जाएगी आरएसएस में, हम तो सब अच्छी चीजों के साथ जाएंगे, हमारी एंट्री कर दीजिए, देखिए कितनी मुसलमान।
मुसलमान औरतें आती है। चलिए एक एक अगली प्रतिक्रिया लेते हैं। भारत उत्थान एनजीओ से है और हम चव्हाण जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। हम कहते हैं आप ये मुद्दा एक बार नहीं सौ बार उठाइए, हम सारे आपके साथ में एक ही बार में खत्म कर देंगे, चिंता मत करिए, दूसरी बार उठाने की जरूरत ही नहीं है। सरकार को भी मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आपके वोट भी कट रहे हो तो आप नियम बनाइए, हम सारी लेडीज आपको वोट देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कोई वोट नहीं कटेगा, हम सारी लेडीज आपके साथ हैं। आप ये कानून बनाइए, कानून बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि हमारा भारत केवल जनसंख्या की वजह से पीछे है। हम उपाय हम कानून कैसा हो हम महिलाओं से ही तय करते क्योंकि संसद है, संसद में कानून बनते हैं, इसलिए उपाय क्या होना चाहिए, कानून का स्वरूप क्या होना चाहिए। हमारे साथ निशु जी है, क्या उपाय मतलब आपको क्या लगता है कि जो कानून बने इस कानून में क्या क्या हो? जैसे आपने आपने कहा कि उसका वोट का अधिकार छीन लो, हुक्का पानी बंद करो, आपने कहा पैदा ही नहीं होने देंगे, आप कैसा कानून चाहती हैं जो आपके मन में है? चलिए हाँ आप कुछ कहना चाहेगी बोलिए। नारी शक्ति जो आपने अभी बोला है वो बहुत अच्छी बात है, उसी को लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो हिंदू महिलाएं हो चाहे वो मुसलमान महिलाएं हो, वो अगर ठान ले के हमें दो बच्चे करना है तो दो ही करें। और उसके बाद हम सरकार से ये भी आग्रह करना चाहते हैं कि ये जो से तीन तलाक आप बंद करवा रहे हैं वैसे इस पे भी ध्यान दें, और दो बच्चे हमारे दो बच्चे तो उनके क्यों नहीं, इस पे बिल्कुल ध्यान दे। और अगर लेकर के आएंगे रूल तो हम ये जो सो कॉल्ड इन्होंने बोला कि मौलवी और ये सारे लोग हैं ये कुछ नहीं कर पाएंगे और हमारा देश आगे चला जाएगा, हम डेवलप्ड कंट्री में गिने बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि लोकसंख्या का ही भार इतना ज्यादा है कि हम डेवलप कंट्री बन नहीं सकते। कानून बनने की जो बात हो रही है, कानून तो बने लेकिन उसको कड़ाई से फॉलो भी होना चाहिए, सिर्फ कानून बनने से कुछ नहीं होगा। और क्या, और इस कानून में क्या हो, आप क्या चाहती है इस कानून में और क्या हो? नहीं बिल्कुल, देखिए आज बेसिक प्रॉब्लम जो है, हमारे कानून सख्त होने चाहिए। नहीं नहीं, अगर दो बच्चों पे कानून आ जाएगा तो तीसरा पैदा नहीं कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक, एक मिनट, कानून का स्वरूप क्या हो? मैं वही बात कर रही हूँ कि स्लम एरिया में काम करती हूँ, आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कम्युनिटी की है या लोगों की है वो राशन कार्ड है। आप राशन कार्ड से इसको चीज पॉपुलेशन कंट्रोल को राशन कार्ड से रिलेट कर दीजिए कि आपके राशन कार्ड में दो बच्चों की एंट्री होगी तो आपको ये फैसिलिटीज मिलेगी, तो वो सारी चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। मतलब बच्चे पैदा करने भी आधार कार्ड से जोड़ दो तो काम खत्म। ज्यादा बच्चे होंगे उनको कोई फैसिलिटीज नहीं मिलेगी। अभी इसका जस्ट अपोजिट है, अभी इसका जस्ट अपोजिट है कि अगर आप आठ नाम लिख कर लाएंगे तो राशन ज्यादा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। वो कहता है कि आठ दस बच्चे और। बिल्कुल बिल्कुल, और चुनाव के एक दिन पहले सब कुछ ज्यादा मिलेगा। ये कानून तब आ पाएगा, तब इम्प्लीमेंट हो पाएगा ये कानून, जब सरकार हिंदू मुस्लिम वोट से ऊपर उठकर तभी करे बात कर। बिल्कुल, चलिए चलिए, तो अभी हम कार्यक्रम के आखिर में हैं, एक दो प्रतिक्रिया और लेते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी। हाँ बोलिए। ये हमारा देश इस समय जनसंख्या विस्फोटक देश बनने जा रहा है, एक आत्महत्या करने की दिशा में बढ़ रहा है जो हमारे देश की जनसंख्या की कंडीशन है। तो मैं सारे जाति से यही कहना चाहूंगी, सारे एक ये जो विशेष जाति है इसे भी ये कहूंगी कि अपने धर्म को छोड़ के एक राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, उसके अनुसार चलेंगे तो हमारे देश के लिए बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, चलिए जल्दी। मैं AIWC से हूँ, AIWC से आज हमारे साथ 21 महिलाएं आई हैं और जो हमेशा आपके साथ रहेंगी, वहां से मैं ट्रेजरर बोल रही हूँ। मैं वकील साहिबा से बहुत ही सहमत हूँ क्योंकि उन्होंने कहा है पॉपुलेशन तो है ही, साथ में टेररिस्ट जो है वो हमारे साथ बाधा है बहुत बड़ी। बिल्कुल, और इसलिए इस यात्रा में तमाम महिलाओं का माता भगिनियों का स्वागत रहेगा, हम सब मिलके पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर आ जाएंगे। और बिल्कुल, और ये अब तक की सबसे बड़ी यात्रा रहेगी। आज के कार्यक्रम में मैं जो कानून करता है, जो संसद सरकार MP मिनिस्टर प्रधानमंत्री, आपका काम हमने इस सुदर्शन के जनसंसद ने कितना आसान किया है, 100% सहमति है जिस मुद्दे पर हम बात करें। हिंदुस्तान के किसी भी टीवी चैनल पे जाइए, कभी बहस ही नहीं होती, उसपे हो हल्ला होता है और उसपे लड़ाई होती है, गाली गलौज होती है और चैनल बंद। आज का ये जनसंसद हिंदुस्तान के तमाम सांसदों को, इस देश के सांसदों को, मैं इस देश के लोकसभा की स्पीकर
और राज्यसभा के अध्यक्ष वेंकैया नायडू जी और सुमित्रा महाजन जी को कहूंगा कि देखिए आपके सांसदों को कहिए कि सुदर्शन की संसद देखे, अपने आप चुप हो जाएंगे, इतनी इतनी शांति यहाँ पर है। और इसलिए हम 100% हाथ ऊपर करके सब लोग मतदान करते हैं, इस देश के प्रधानमंत्री को, देश की संसद को ये मतदान दिखाते हैं कि हम 100% मत से, एक मत से, एक राय से इस देश में लोक संख्या नियंत्रण का कानून लाए जिसका नारा हो हम दो, हमारे दो, तो सबके दो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की।